Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Pradhan Mantri Narendra Modi Delhi Meerut Corridor par kal yani Shukrawar 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये देश की पहली रैपिडेक्स होगी। दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाली ये ट्रेन सर्विस फिलहाल साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी। रैपिडेक्स को मेरठ तक चलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन का ही उद्घाटन हो रहा है, जो साहिबाबाद से दुहाई तक है। इस 17 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को स्टैंडर्ड क्लास में अधिकतम ₹50 और प्रीमियम क्लास में अधिकतम ₹100 का किराया चुकाना होगा। रैपिडेक्स में सवार होने के लिए यात्रियों को कम से कम ₹20 का किराया टिकट लेना होगा। इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, जिसमें दो दो यात्रियों के बैठने की सुविधा और यात्रियों के खड़े होने के लिए भी जगह होगी। और रैपिडेक्स में कुछ ऐसी खास सुविधाएं भी हैं जिन्हें जानकर आपको खुशी होगी। बता दें, रैपिडेक्स के स्टेशनों पर शौचालय, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की गई है। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा रैपिडेक्स में सवार है तो आप स्टेशनों पर बच्चों के लिए डायपर कॉर्नर भी बनाया गया है। महिलाएं यहां जाकर आसानी से अपने बच्चे का डायपर बदल सकती हैं। और इसमें खाने के लिए भी वेंडर मशीन भी रखी गई है, जिससे आसानी से अंदर से ही लेकर खाया जा सकता है। रैपिडेक्स स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए पहली बार AI सिस्टम को लगाया गया है। इसके जरिए स्टेशन तक संदिग्ध वस्तुओं को ले जाने से रोका जा सकेगा। स्टेशन के एंट्री गेट पर लगेज स्कैनर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। ये AI सिस्टम दूर से भी लगेज में संदिग्ध वस्तु को पकड़ लेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी।